तो हे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सीधे भोपाल से उज्जैन, उज्जैन की तरफ जा रहे हैं, महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। हम लोग हॉस्टल में थे तो कल था संडे, तो हम लोग निकल रहे हैं कल उज्जैन। अभी निकल रहे हैं उज्जैन, है ना। अब चल रहे हैं उज्जैन, बाकी उज्जैन का सब दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। मतलब 8 से 10 लोग जा रहे हैं हम लोग फ्रेंड, है ना। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या क्या। आप भी जा रहे हो भाई? भाई बोल दो, भाई एंजॉय। ये भी जा रहा है, चल रहे हो ना आप? हाँ, चलो ए भाई भी जा रहा है, बाकी 6-7 लोग और हैं, नीचे पहुंच गए हैं। तो हम सब लोग जा रहे हैं सीधे उज्जैन, है ना। तो चलते हैं उज्जैन और दिखाते हैं मस्ती क्या क्या किया हम लोगों ने, है ना। चलते हैं। तो हम लोग ये हैं दोस्तों, रेडी हो गए सब लोग, नीचे हैं, है ना। सर बोल दो, ये जा रहे हैं हम लोग सब, है ना, ये होगा सब रेडी, बाकी चलते हैं। जाते हैं यहाँ से सीधे स्टेशन और स्टेशन से आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या किया। निकल आए हम लोग हॉस्टल से दोस्तों, देखो ये हॉस्टल, बाकी ये जा रहे हैं। जय रे गाइस, जय श्री महाकाल। गाली लगेगा मादर। दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, अब जा रहे हैं हम लोग सीधे कहाँ, स्टेशन, है ना, स्टेशन जा रहे हैं। दो ये बैठे हैं, लाइक कर दो वीडियो को, बाकी दो पीछे बैठे हैं। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन और स्टेशन से पहुंचते हैं ट्रेन, फिर चलते हैं सीधा उज्जैन, है ना। हम क्या इसको दिखाना है, लाइक कर दो गाइस, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। चलो ठीक है, लोग भोपाल से निकल चुके हैं, अब सीधे कहाँ, करौद से निकले सीधे स्टेशन की साइड, है ना। चलते हैं सीधे कहाँ, रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, फिर वहां से ट्रेन पकड़ लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए स्टेशन और स्टेशन पे आके बैठ गए हैं। अब एक ट्रेन आने वाली है कुछ ही समय आने, भोपाल जंक्शन, ये भोपाल जंक्शन है। अब 2 या 5 मिनट में ट्रेन आने वाली है हमारी और फिर हम निकलेंगे वहाँ से। ये देख रहे आपको भोपाल, भोपाल जंक्शन पर है अभी, है ना, भीड़ बहुत है यार। चलिए वहाँ की ट्रेन में बैठते फिर दिखाते हैं। हमें भी ट्रेन में बहुत है भीड़, सबको दिखा दी, बहुत भीड़ है भाई ट्रेन में, भीड़ को ऐसे खड़े होकर जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग फाइनली उज्जैन पहुंच गए, अमन भैया उज्जैन हम लोग पहुंच गए, है ना। तो 9 बज गए रात के और ट्रेन जस्ट अभी आई है, ये देखिए उज्जैन जंक्शन दिख रहा है आपको, ये उज्जैन हम लोग पहुंच गए। अब जाते हैं देखते हैं होटल वगैरह कहाँ रुकने की व्यवस्था, बाकी अगर रात में दर्शन होते हैं तो ठीक है दिखाते हैं, नहीं होते तो फिर बताते हैं आपको, है ना, सुबह दिखाएंगे फिर। ठीक है चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं होटल वगैरह। दोस्तों उज्जैन स्टेशन के बाहर, ये स्टेशन है उज्जैन, है ना, ये सब दोस्त वगैरह हैं, है ना, ये सब दोस्त हैं। अब निकल आए बाहर और देखिए बाहर सीन काफी अच्छा है यार बाहर का, है ना। तो चल रहे हैं हम लोग, अब जा रहे हैं मंदिर की साइड और वहाँ पे कोई धर्मशाला या होटल मिलेगी तो वहाँ पर देखते हैं रुकने का कुछ, है ना। चलिए बाकी हम लोग जाते हैं, थक गए तो थोड़ा पहले चाय खाना वगैरह करेंगे यार, क्योंकि 6 बजे से बैठ गए ट्रेन से, है ना। चलते हैं, हम लोग थक गए थे तो आ गए थे चाय की दुकान पे चाय पीने, तो सब लोग पी रहे हैं चाय, ये बैठे हैं सब लोग, है ना, पी रहे हैं चाय, है ना। चलते हैं मंदिर की ओर। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और ये पीछे दिख रहा है लाइट, लाइट ये स्वर्ग, सॉरी महाकाल लोक, है ना। और हम लोग आ गए हैं महाकाल लोक के बाहर, तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, आनंदमय है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यार। ये है महाकाल लोक भक्त निवास, ये यार सीन बढ़िया है यहाँ का। दोस्तों भी मिला है और बैठे हैं ऐसे, रात को 12 बज रहे हैं, 12 बजे बैठे हैं, बाकी दो लोग गए हैं रूम देखने, तो देखते हैं उनको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कहीं सोएंगे कहीं ना कहीं, है ना। बाकी दर्शन की लाइन लग गई, भस्म आरती की लाइन लग गई अभी से आगे दिख रही है, है ना। बाकी तो ये बहुत अच्छी जगह मिली हम लोगों को बैठने के लिए रात में मंदिर के बाहर, बहुत ही अच्छी जगह है, देखिए हम लोग बैठे हैं सब लोग और बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है यार, हवा बहुत अच्छी चल रही है, देख रहे होगे आप, है ना। ये सामने का सीन है, आधार कार्ड है और ये देखो, ये पूरा महाकाल लोक है, यहाँ से दिख रहे होंगे मूर्ति वगैरह, ये मूर्ति वगैरह। हम उज्जैन आ गए महाकाल की नगरी, जय श्री महाकाल। हम सो रहे हैं अभी, सुबह दर्शन करेंगे, जय श्री राम।
छः बजे हैं और छः बजे भी नहीं है अभी पूरे है ना। हम लोग जा रहे हैं छपरा नदी नहाने, क्योंकि अभी नहाया नहीं हम लोगों ने, हम लोग घूमते रहे रात में, तो नदी की साइड जा रहे हैं छपरा नदी, वहीं नहाएंगे और नहाने के बाद आएंगे फिर करेंगे दर्शन, फिर दिखाएंगे आपको सब कुछ। तो चलिए चलते हैं नदी, बाकी मंदिर मैंने अभी दिखाई दिया है आपको, है ना। छपरा नदी में राम घाट गुरुद्वार श्री साहब, ये देखो कितना प्यारा सीन है यहाँ का। तो यहाँ पर हम लोग नहाएंगे, है ना, और ये दोस्त हैं सब के सब आ रहे हैं, और यहाँ नदी है, छपरा नदी है, यहाँ पर हम लोग नहाएंगे अभी। ये मंदिर है एक, है ना, एक बुरी घटना बात, कितना प्यारा है यार यहाँ का। इसका फोन ले लिया, मजा ले रहा है इसकी। तुम अपना नंबर तो बोलो, बुरा मत मानो यार, मजाक कर रहा हूं। जय श्री राम। नंबर बताओ, चलो बोलो, हम मान लेंगे तुम्हारा। किसका फोन है भाई ये? हाथ लग कुछ नहीं लगा, हम लगते हम लगा दो लगा। अरे ये भाई मिला है, इसका फोन ले लिया हम लोगों ने और मजा ले रहा था इसकी। नहा ले भाई पहले। तो हम लोग नदी गए थे छपरा नदी, और नहा के हुए हैं अभी अभी फ्री, और आए हैं सब लोग अपने अपने कपड़े पहन के, जो जैसे कपड़े लाया था। ये देखो, तो छपरा नदी से हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर दर्शन करने, और बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, प्रसाद वगैरह ले लिया है हम लोगों ने, लिए प्रसाद जा रहे हैं मंदिर दर्शन करते हैं, और अगर दर्शन मिले तो आप दिखाएंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही, कैसी भीड़ है ये देखो, भीड़ मंदिर की बहुत ज़्यादा है, आगे भी है पीछे भी है, बहुत ज़्यादा है यार भीड़। ये देखो, जय महाकाल जय। दोस्तों मंदिर दिखने लगा होगा आपको, यही है मेन महाकाल जी का मंदिर, और इसी के अंदर हम लोगों को अभी जाना है, तो यहाँ जाएंगे हम लोग अभी अंदर। पहले लगवा लें थोड़ा सा चंदन माथे में, है ना, फिर जाते हैं अंदर, फिर करते हैं दर्शन। ये देखो कितनी भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी लाइन में हम लोगों को लगना है और जाना है सीधा अंदर। तो हम लोग आए हैं अब यहाँ पे चंदन लगवाने माथे में, और लगवाएंगे चंदन फिर चलते हैं अंदर। सीधे बाहर अंदर जाना है, ये लाइन है, हम लोग जा रहे तो क्या हो गया। इस तरह है, ये भीड़ लगी है, चिल्लाते हैं बम बम बोले। ये भीड़ देखो कितनी बड़ी दिख रही है ना, ये है भीड़। अपन तो आगे वैसे दर्शन करके चलते हैं, थोड़ी मूर्ति वगैरह देखते जो यहाँ बनी है, वहाँ का लोग है जो वो देखने चलते हैं, ठीक है।
दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर अब सब लोग बाहर आ गए हैं। ब्लॉग यहाँ से होता है ख़त्म, क्योंकि दर्शन कर लिए उज्जैन में। अब हम लोग निकलते हैं सीधे कहाँ, सॉरी उज्जैन से सीधे कहाँ निकलते हैं, भोपाल की। तो यहाँ सब लोग एक बार बाय बोल देती है, क्योंकि ब्लॉग यहाँ हो रहा है ख़त्म। बाय, अगले टाइम और अच्छी जर्नी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और फॉलो। भाई खूब मेहनत कर रहा है, ज़रूर करें फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। ब्लॉग होता है ख़त्म, अब हम लोग जाएंगे कहाँ, सीधा भोपाल, है ना। और क्या क्या हुआ कि दर्शन के लिए आज फ़ोन अंदर अलाउ नहीं हो रहे थे महाकाल जी के मंदिर में, तो फ़ोन अंदर नहीं लेके गए थे, तो महाकाल जी के दर्शन बस सही से नहीं होंगे वीडियो में। बाकी अभी हमने मेन वीडियो में मैंने मेन शूट किया है, और अगर इसके और बैकग्राउंड का देखना है तो मैं इसी चैनल पर अभी एक या दो दिन के बाद, ये वीडियो अपलोड होने के एक या दो दिन बाद वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, और लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ब्लॉग करते हैं ख़त्म, बाय। भोपाल दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं भोपाल, चंदू भैया है, चंदू भैया जो कुछ बोले वो करना, लाइक सब्सक्राइब चैनल को, चलिए ठीक है, फालतू की बातों पे आ गए, ठीक है ब्लॉग करते हैं ख़त्म। वापस, और ये दूसरा दिन है, सुबह रात भर सोए हैं अच्छे, अब पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा। मिश्रा बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उज्जैन का। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था भाई, बस पैसों की कमी के चलते जल्दी आना पड़ा, तो लाइक अगली बार से बाद में।